हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर 12, गोल्डिलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। क्या नाम है? गोल्डिलॉक्स एंड द थ्री बियर्स, गोल्डिलॉक्स और तीन बियर, हम इसके बारे में आज रीड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसकी कुछ झलक देख लेते हैं लेसन की। सुपोज, मान लो यू आर विजिटिंग ए पैलेस All alone से अकेले। मान लो कि आप किसी स्थान पे अकेले जा रहे हो। यू सी ए हाउस, आप एक हाउस को देखते हो विद इट्स फ्रंट डोर ओपन, जिसका जो फ्रंट डोर है वो खुला हुआ है। विल यू एंटर द हाउस, क्या आप इस हाउस के अंदर एंटर करोगे विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी परमिशन के। रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ो, अबाउट ए नोटी गर्ल, एक शरारती लड़की के बारे में। हु इंटर्स ए बी एस कॉटेज, जो एक भालुओं के जो घर था, बी एस कॉटेज थी, भालुओं का घर था, उसके घर में चली गई। एंड सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और देखो इसके बाद में क्या होता है। तो वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए लिटल गर्ल नेम्ड गोल्डिलॉक्स, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम गोल्डिलॉक्स था। सी वेंट फॉर अ वॉक, वो सैर करने के लिए गई। उसके बाद आगे है, सी वेंट फॉर ए वॉक इन वुड्स, वह जो है जंगलों की सैर करने के लिए गई। ऑन द वे, रास्ते में सी सा एक कॉटेज, उसने एक कॉटेज को देखी, झोपड़ी देखी। सी नॉक्ड, नॉक्ड होता है खटखटाना, उसने खटखटाया। एंड और वेन नो वन आंसर्ड, जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वॉक्ड इनसाइड, तो वो क्या हुई, अंदर चली गई। ए बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, और उस झोपड़ी के अंदर एक बियर का परिवार रहता था, एक रीच का परिवार रहता था। दे हैड गोन फॉर ए पिकनिक, वो सैर सपाटे के लिए गए हुए थे। एट द टेबल, टेबल इन द किचन, किचन में टेबल। सी सा थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज, उसने जो है खिचड़ी, उसने तीन बाउल्स में खिचड़ी को देखा, यानी जो बाउल्स थी थ्री वो खिचड़ी से भरी हुई थी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा, तो उनमें से एक बाउल किसके लिए, पापा के लिए थी। बियर ए मीडियम साइज बाउल फॉर मम्मा, जो मीडियम साइज की थी वो मम्मा के लिए थी। एंड ए टाइनी, और सबसे छोटी थी बाउल फॉर ए बेबी बियर, तो तीन किसके लिए थी, एक तो बियर के लिए थी, एक उसकी पत्नी के लिए थी, और सबसे छोटी थी वो उनके बच्चों के लिए थी। गोल्डिलॉक्स वॉज हंग्री, गोल्डिलॉक्स को बहुत भूख लगी हुई थी। सी सैट डाउन, वो बैठ गई। एंड ट्राई टू ईट, और खाने की कोशिश की। द पॉरिज फ्रॉम द फर्स्ट बाउल, जो फर्स्ट बाउल थी कौन सी, बियर वाली जो बाउल थी, उसमें से उसने खाने की कोशिश की। इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म थी। सी मूव्ड टू द मीडियम बाउल, वो वापिस किसकी तरफ मुड़ी, मीडियम बाउल की तरफ मुड़ी। इट वॉज टू कोल्ड, ये बहुत ठंडी थी। सी फाइनली मूव्ड टू द टाइनी बाउल, वो जो सबसे छोटी बाउल थी जो उन्होंने जो बेबी बियर के लिए थी वो उसकी तरफ मुड़ी। इट वॉज जस्ट राइट, ये ठीक थी। गोल्डिलॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, और जो थी खिचड़ी, गोल्डिलॉक्स ने सारी खिचड़ी खाई। सी फेल्ट ड्रॉजी, ड्रॉजी होता है नींद आना, उसको जो है गहरी नींद आने लगी। सो सी वेंट टू बेडरूम अपस्टेयर, इसलिए जो है वह चली गई बेडरूम के अंदर। देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, पापा बियर के लिए क्या थे, बहुत बड़ी जो ये क्या थी, बेड लगा हुआ था। ए मीडियम साइज बेड फॉर मम्मा, और मम्मा के लिए मीडियम साइज का बेड लगा हुआ था। एंड बियर एंड ए लिटल बेड फॉर बेबी बियर, और जो बच्चों के लिए है वो छोटा बेड लगा हुआ था। सी वेंट टू द बिग बेड, वो बड़े बेड पर गई। इट वॉज वेरी हार्ड, ये बहुत कठोर था। सी मूव टू द मीडियम बेड, वो वापस मीडियम बेड की तरफ मुड़ी। इट वॉज टू सॉफ्ट, ये काफी नरम था। सी फाइनली मूव टू द लिटल बेड, अंत में वह जो सबसे छोटा बेड था उसकी तरफ मुड़ी। इट वॉज जस्ट राइट, ये ठीक था। गोल्डिलॉक्स फेल एज़्लिप इन द लिटल बेड, तो लिटल बेड था जिन बच्चों वाला बेड था उसके ऊपर गोल्डिलॉक्स को नींद आ गई। सून द बियर फैमिली रिटर्न फ्रॉम द
पिकनिक। जल्दी ही जो बियर की फैमिली थी वो पिकनिक मना करके वापिस लौट आई। समबडी एट माई पॉरिज, किसी ने मेरी खिचड़ी को खाया है, ग्रोवल्ड पापा बियर, पापा बियर ने कहा इन हीज ग्रफ वॉइस। ग्रफ वॉइस होती है कठोर आवाज में, कठोर आवाज में कहा। समबडी एट माई पॉरिज टू, किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है, सेड मम्मा बियर, मम्मा बियर ने कहा इन सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट वॉइस में। समबडी एट माई पॉरिज इज ऑल्सो, किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है, सेड बेबी बियर, बेबी बियर ने कहा, क्योंकि जो गोल्डिलॉक्स थी उसने सभी में से जो है खिचड़ी को कुछ ना कुछ, खिचड़ी का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर खाया था। द बियर फैमिली, बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम अपस्टेयर, जो बियर की फैमिली है वो बेडरूम में गई। समबडी स्लेप्ट ऑन माय बेड, कोई मेरे बेड पे सोया था, ग्रोल्ड पापा बियर, पापा बियर ने इन हिज ग्रफ वॉइस, पापा बियर ने ऊंची आवाज में कहा। समबडी स्लेप्ट माय बेड टू, कोई मेरे बेड पर भी सोया था, सैड मम्मा बियर इन ए सॉफ्ट वॉइस, मम्मा बियर ने भी सॉफ्ट वॉइस में कहा। समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बेड पे सो रहा है, शाउटेड द स्कारलेट बॉय, बच्चे चिल्लाए। जस्ट देन ठीक उस समय गोल्डिलॉक्स वॉक अप, गोल्डिलॉक्स जा गया, सी सा थ्री बियर्स, उसने तीन बियर्स को देखा, स्टैंडिंग नियर द बेड, बेड के पास खड़े हुए। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो जो है बेड से कूद गई, एंड रेन आउट ऑफ द कोटेज, और कोटेज से बाहर दौड़ गई, एज फास्ट है जितना तेज हो सके, सी कुड वह, यानी वह जितनी तेज, जितना तेज हो सके उतनी तेज दौड़ लगाई। सी नेवर रिटर्न टू द बियर्स कोटेज, वह वापिस कभी भी बियर की कोटेज की तरफ नहीं आई। इसके बाद हम इसके वर्ड में देखते हैं, पहला वर्ड मीनिंग है इसका वर्ड्स मीन जंगल, और परिज मीन खिचड़ी, टाइनी मीन छोटा, और ग्राउंड मीन्स होता है गर्जन, ग्रफ वॉइस होती है कठोर आवाज में, वॉक अप मीन जा गई। उसके बाद में आगे हम इसके टिक द प्रेक्स देखते हैं कि गोल्डिलॉक्स वेंट फॉर वॉक इन, तो गोल्डिलॉक्स वॉक कर कहाँ गई थी, वो वुड्स में गई थी। सी सा डैश देर, उसने क्या देखा वहां पे, कोटेज देखी। उसके बाद आगे द डैश इन द टाइनी बबल वो जस्ट राइट, तो जो पॉरेज थी, जो खिचड़ी थी वो सबसे छोटे जो बाउल में थी वो बढ़िया थी, क्योंकि सबसे बड़े वाले में हॉट थी, उसके बाद में जो बीच वाले में थी वो ज़्यादा कोल्ड थी, तो जो मीडियम टेस्ट की थी पॉरेज वो टाइनी बाउल में थी। गोल्डिलॉक्स सा द बियर्स एंड सी रेन आउट ऑफ द कोटेज, उसने बियर को देखा और वापिस जो है वहां से भाग आई। उसके बाद में हम इसके देखते हैं मैच द फ्लोइंग, अब आपने मैच करना है कि कॉलम ए दिया हुआ है उसका मैच कॉलम बी के साथ करना है। पहला है कि गोल्डिलॉक्स वेंट फॉर, गोल्डिलॉक्स कहाँ गई, तो गोल्डिलॉक्स वेंट फॉर वॉक इन द वर्ड्स, वो जंगल में सैर करने के लिए गई थी। तो फर्स्ट के सामने जो सी पार्ट है वो राइट है, सी जो है वो राइट है। सेकंड है सी फेल्ट ड्रोजी, सो सी फेल्ट ड्रोजी, सो सी वेंट टू द बेडरूम अपस्टेयर। थर्ड है सी फेल एजली, वो गई नहीं, सो गई इन द लिटिल बेड, सबसे छोटे बेड के ऊपर। और द बियर फैमिली, बियर की फैमिली रिटर्न फ्रॉम द पिकनिक। उसके बाद में आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम आगे कि हु लिव्ड इन द कॉटेज। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला है कि झोपड़ी में कौन रहता था, तो बियर फैमिली, वेयर हैड दे गोन, और सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वो कहाँ गए हुए थे, इसका बनाएंगे कि दे हैड गोन फॉर ए पिकनिक, वो सैर सपाटा मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। व्हाई डिड गोल्डिलॉक्स नॉट ईट पॉरिज, गोल्डिलॉक्स ने पॉरिज क्यों नहीं खाई, फ्रॉम एंड द मीडियम बाउल्स, जो है मीडियम बाउल्स से उनको, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि ये बहुत ही गर्म थी। आगे हाउ डिड द गोल्डिलॉक्स फील आफ्टर ईटिंग द पॉरिज, उसको पॉरिज खाने के बाद कैसा महसूस हुआ, वो क्या है, वो खाने के बाद में वो सोना चाहती थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड गोल्डिलॉक्स डू व्हेन सी सा द बियर्स, तो सी जंप्ड आउट ऑफ द बेड, वो जो है
बेड से कूद कर बाहर आ गई एंड और रेन आउट ऑफ द कॉटेज और दौड़ती हुई कॉटेज से बाहर आई एज फास्ट एज सी कुड। वो जितना तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ लगा करके वो बाहर आई। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन, बाकी नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों ने क्या करना है कि सबसे पहले जो ये लेसन है चैप्टर नंबर 12 इसकी आपने इंग्लिश टू इंग्लिश जो रीडिंग है वो 2 से 3 बार करनी है। इंग्लिश टू इंग्लिश जो है रीडिंग 2 से 3 बार करने के बाद में फिर फेयर नोटबुक पे आपने पहले वर्डनिंग राइट करनी है और उसके बाद में वर्डनिंग राइट करने के बाद में आपने क्या करना है कि पहले इसके वर्डनिंग राइट करनी है ऐसे और उसके बाद में जो इसका ए पार्ट है वो करना है। ए के बाद में फिर आगे जो सील वाइज आप करोगे बी मैच द फ्लोइंग और जो सी पार्ट है वो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये आप सभी बच्चों ने फेयर नोटबुक पे राइट करनी है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।